अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मीडियन। अब मीडियन एक भी एवरेज की एक किस्म होती है जो कि आपको डाटा का सेंटर लोकेट करके देती है। अब बात यह है कि हमने तीन एवरेजेस पढ़ी हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। जब हमारे पास तीन एवरेजेस हैं ऑलरेडी, तो हमें एक और एवरेज की ज़रूरत क्यों होती है? ये एक क्वेश्चन अक्सर बच्चों को तंग करता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर मीडियन क्यों आ गया। बात यह है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको लिमिटेशंस बताई थी पिछली एवरेजेस की, कि अगर डाटा में ज़ीरो आ जाता है तो हार्मोनिक मीन नहीं निकलता, अगर डाटा नेगेटिव आ जाता है, माइनस में वैल्यूज आ जाती हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलता, और डाटा के अंदर अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं तो अरिथमेटिक मीन नहीं निकाला जा सकता। निकल तो आता है लेकिन वो मिसलीडिंग रिजल्ट्स देता है। तो इस सिचुएशन में हमें एक ऐसी एवरेज चाहिए होती है जो कि इन सब चीज़ों थे दूर हो, यानी कि ये जो लिमिटेशन जो कि बाकी एवरेजेस पे हैं वो लिमिटेशन दूसरी उस एवरेज पे ना हो। इस सिचुएशन के अंदर हम मीडियन इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वैल्यू विच ऑक्यूपाइज द सेंटर पोजिशन अमंगस्ट द ऑब्जर्वेशन व्हेन रेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज द मीडियन। कहता है कि ना मीडियन क्या होता है, डाटा के बिल्कुल दरमियान में वाकई होता है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना होता है, अपने डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, आगे मजीद एक्सप्लेनेशन देता है। 50% स्कोर आर अबव द मीडियन एंड 50% स्कोर आर द बिलो ऑफ द मीडियन। यानी कि वो कहता है 50% डाटा होता है, अपना माइक्रोफोन थोड़ा ऑफ कर दें, 50% डाटा जो होता है वो मीडियन के ऊपर होता है और 50% डाटा जो होता है मीडियन के बिलो होता है। यानी कि मीडियन वो पॉइंट होता है जो कि आपके डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हेंस इट इज नेम्ड द 50th परसेंटाइल और पोजिशनल एवरेज। इसको पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। द लोकेशन ऑफ द मीडियन इज डिपेंडेंट ऑन वेदर द डाटा सेट ऑफ एन इवन ऑन ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। अच्छा, इस पर भी बाज़ हाँ औक़ात मैडम बेटा आप माइक्रोफोन ऑफ कर दें, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। मुझे लगता है मुझे कुछ हाँ करना पड़ेगा। तो क्या होता है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। जब आपके पास डाटा अनग्रुप डाटा होता है तो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, तो मीडियन को निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं तो मीडियन निकालने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक, अच्छा, अब नीचे कुछ मीडियन की प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ देख लेते हैं, शायद कोई मैंने जो चीज़ें बताई हैं उससे कुछ डिफरेंट हो। मीडियन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑल द डाटा वैल्यूज इन द डाटा सेट। हमने पिछले एवरेजेस में पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो डाटा के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है सबको यूटिलाइज करते हैं, यानी कि तमाम डाटा के ऊपर बेस करते हैं। जबकि मीडियन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करता, पूरे डाटा को इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं करता। द मीडियन वैल्यूज इज फिक्स्ड बाय इट्स पोजिशन एंड इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द इंडिविजुअल वैल्यू। द डिस्टेंस बिटवीन द मीडियन, नहीं जी ये बस ऐसे ही है। अच्छा, एक मैंने फिगर नीचे एक दी गई है, इनको देख लीजिएगा अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो, ये एक फिगर है। अच्छा, अब बाद आपका डेटा जो होता है ना वो डिफरेंट शेप का होता है। ठीक, बाजू का सिमेट्रिकल डाटा होता है, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा सिमेट्रिकल डाटा क्या होता है।
बाज़ औक़ात लेफ्ट स्क्यूड होता है, बाज़ औक़ात राइट स्क्यूड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ लेफ्ट स्क्यूड कौन सा डाटा है और राइट स्क्यूड कौन सा डाटा है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, जब सिमेट्रिकल डाटा होता है तब आपका मीन मीडियन एंड मोड दोनों सारे बराबर होते हैं, किसमें? सिमेट्रिकल डाटा में। लेकिन जब लेफ्ट स्क्यूड डाटा होता है तो मीडियन सबसे छोटा होता है, सॉरी मीन सबसे छोटा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है। मोड हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन जब राइट स्क्यूड होता है तो मीन सबसे बड़ा होता है, मीडियन जो होता है वो मिडल में होता है, और मोड जो होता है वो सबसे छोटा होता है। अच्छा एक बात बता दूं, आपकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं या छोटी वैल्यूज होती हैं, और राइट साइड पे आपके पास बड़ी वैल्यूज होती हैं। अब एक छोटा सा डाटा ले लेते हैं और देख लेते हैं, अगर आपके पास इवन नंबर डाटा हो, इवन डाटा हो तो उसको कैसे निकालते हैं और ऑड डाटा हो तो उसको कैसे निकालते हैं। लेट से आपके पास वैल्यूज हैं 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, ठीक, कितने वैल्यूज हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। अच्छा, और ये अरेंज भी है, अरेंज भी हुई है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। तो क्या करेंगे आप, दरमियान वाली वैल्यूज जो होती हैं, मिड टर्म क्या होता है, मिड सेंटर लोकेट करता है, तो सरल आती है आपसे सरल जी क्या कह रहे हो, तो वन, सही है सर, समझ आ रही है। हाँ 1, 2, 3, 4 इधर से गिन लें, 1, 2, 3, 4, तो ये 8 जो है ये डाटा के मिडल में है, ठीक। तो इसको हम क्या कह देंगे, मीडियन कह देंगे। तो इस डाटा का मीडियन क्या होगा, द मीडियन ऑफ अबव डाटा इज 8, ठीक, क्योंकि 8 दरमियान में था। अब एक और डाटा अगर हम ले लें, उसके अंदर हम ऑड नंबर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज डाल लें, तब क्या होगा, ठीक। 22, 23, 24, 25, 26, 27, अच्छा हाँ जी, ये डाटा अगर आपके पास है, ठीक, इसको नंबर 1 कह दें, और इसको अगर आप 2 कह दें, तो अब इसका मीडियन निकालें, तो ये डाटा भी अरेंज फॉर्म में है, तो इसके मिडल में आप देखेंगे तो कोई चीज नहीं है, यानी कि 1, 2, 3, यहाँ से भी 1, 2, 3। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज जो हैं ये मिडल में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। नीचे आ गया 24 प्लस 25, 24 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, ट्वेंटी ये फोर पॉइंट नाइन 24.5, यस तो ये आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब ये तो था एक क्रूड मेथड, ठीक है, क्रूड मेथड होता है जिसके पीछे जो के ना बस ऐसे इस्तेमाल किया जाए। अब बात ये है कि हम चाहते हैं
कि इसका कोई फार्मूला भी हो, बुक में फार्मूला भी दिया हुआ है, ठीक, तो वो फार्मूला हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला थोड़ा जो है ना, फार्मूले से इसको करना थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं लिख देता हूँ। एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू वैल्यू, यानी कि इस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। और में जो होगा, क्योंकि दरमियान में दो वैल्यूज आ रही होती हैं, तो टू ऊपर एन वैल्यू भी लेंगे आप, और फिर प्लस एन प्लस वन दो वैल्यूज लेंगे, जैसे हमने अभी ऊपर दो वैल्यूज ली थी, और इन दोनों जो वैल्यूज को भी दो पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा। अगर इन्हीं फार्मूला को हम ऊपर वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो देखते हैं जी, पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास सेवन वैल्यू थी, कितने थी, सेवन वैल्यू, यहाँ नीचे टू लिख दो, ओके, सेवन प्लस वन डिवाइड बाई टू इक्वल टू फोर्थ वैल्यू, ठीक। तो ऊपर से देखते हैं जी, फोर्थ वैल्यू थी उठाई थी हमने क्या, हाँ जी ऊपर से देखें, वन टू थ्री फोर्थ वैल्यू को हमने मीडियन कह दिया था। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने वैल्यूज हैं, सिक्स वैल्यूज हैं, तो सिक्स डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू थ्री प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस वन फोर्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय टू, ऐसे। अब सिक्स वैल्यू क्या थी, 24 थी प्लस फिर 25 थी, ऐसे ऊपर देख लेना, ये यहाँ पे भी निकाला हुआ है हमने। यस सर, डिवाइड बाय टू, वही फार्मूला बन गया जो हमने अभी ऊपर बनाया है, 24.3। ये तो था, अगर आप मीडियन निकालना चाहते हैं अनग्रुप डाटा से, तो सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम डाटा को अरेंज करेंगे, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जिसको आप और तरतीब नजूली या तरतीब सऊदी भी कहते हैं, अगर आपको याद हो मैट्रिक में आपने किया हुआ होगा। अब बात यह है कि जब अगर ग्रुप डाटा अगर आपके पास आ जाता है, क्या ग्रुप डाटा, तो वहां से मीडियन आप कैसे निकालेंगे। हमने हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटा किया था, हाँ जी ये किया हुआ, तो यहां से हम ले लेते हैं यही वाला डाटा, ठीक, और उसका मीडियन निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको लिख दूं इसका फॉर्मूला इन केस ऑफ ग्रुप डाटा, अच्छा ये जितने भी मेजर्स हैं इनके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं,
और वो इतने आसान नहीं होते, वो बहुत मुश्किल होते हैं, रेयर वर्ल्ड प्रॉब्लम। वो अगर टाइम मिला तो किसी दिन वो भी मैं आपको एक एक दो करवा दूंगा। ठीक, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ। n बाय 2 माइनस c। ठीक, ये फार्मूला होता है। अगर आप अपने बुक्स खोल रहे हैं, बुक्स के अंदर आपका ये फार्मूला भी लिखा हुआ होगा और ये l h f इसको डिफाइन भी किया हुआ होगा। एक मिनट मैं देख लूँ, मेरे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे मेहनत कम लगे और इसको अपने फॉर्मूले के मुताबिक भी डिफाइन कर देते हैं। हाँ जी, ये जो एल जो है वो लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री होगी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। हम देखते हैं लोअर क्लास बाउंड्री कैसे निकलती है। ठीक, अच्छा एफ जो होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास की। अच्छा, ये जो एन है ये छोटा एन है, छोटा एन जो है वो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यानी कि समेशन एफ होगा। और एच जो होगा वो क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ होगी। और सी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी पिछली क्लास की। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक कॉलम और चाहिए। कॉलम टू द राइट, इसके अंदर हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना बहुत आसान है, एक दफा पहले भी मेरे ख्याल में आपको बनवाई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, तरीका बनाने का क्या यस है, सर याद है। फाइव पहली वैल्यू 5, दूसरी वैल्यू 5 प्लस 25, 25 5 25 30 हो जाएगी। फिर यस सर 30 प्लस 40 इज 40 इक्वल टू 70। 70 फिर 70 प्लस 20 90 हो जाएगी। और फिर 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। क्यूबलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आई। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने मीडियन क्लास ढूंढनी है। मीडियन क्लास ढूंढने के लिए आपने जैसा ये जो 100 निकला है ना, ये समेशन एफ होगा। क्या होगा, एन इज इक्वल टू सम एफ इज इक्वल टू 100। और मीडियन क्लास निकालने के लिए आपने क्या करना है, एन ओवर टू जो है ना वो निकालना है। क्या निकालना है, एन ओवर टू। और एन ओवर टू क्या निकलेगा, 50 आएगा। ऐसे अब आपने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहाँ है। अच्छा, ये 5 है ऊपर वाली, ये 30 है, ये 70 है। आप लोग ऐसा करें, अपनी अपनी रोल नंबर जो है ना और नाम वो मुझे सेंड करें इसी चैट में। ओके, इसको क्या हो गया, तो इस कॉलम में आपको 50 नजर आएगा क्योंकि 70 जो है वो 50 से बड़ा होता है। तो इस कॉलम को हाईलाइट कर लिया, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमें इस फॉर्मूले में चाहिए वो हमें इसी क्लास में से मिल जाएगी। ओके, हाँ जी, रोल नंबर आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री निकाल लिया। लोअर क्लास बाउंड्री के लिए आपने क्या करना है, ये जो हाईलाइटेड क्लास है इसकी लोअर क्लास लिमिट और पिछली क्लास की अपर क्लास लिमिट, ये वाली, ठीक, इन दोनों को जमा करके दो पर डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एल आ जाएगा। एल इज इक्वल टू क्या है जी, 30 प्लस 29, तो ये क्या आ जाएगा, 29.5, 29.5
5, ठीक। उसके बाद एच निकालना है। एच जो है क्लास इंटरवल होता है, दो कंसेक्यूटिव अपर क्लास लिमिट या लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस, ठीक। हम ये 39 माइनस 29, ये दो कंसेक्यूटिव लोअर अपर क्लास लिमिट है, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 39 माइनस 29 इज इक्वल टू 10, ठीक। अच्छा, अब एफ जो है उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 आ रही है, एफ इज इक्वल टू 40। अच्छा, अब सी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उस क्लास की नहीं, उससे पिछली क्लास की, ये जो होगी ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाली। तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 30। अब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो अब आप क्या करें, इसको फॉर्मूले में रख दें। मैं आपसे कह रहा हूँ अपने रोल नंबर भेज दें मुझे, बच्चे 18 17 ऑनलाइन है, जबकि हाजिरी मेरे पास सिर्फ 5 बच्चों की आई हुई है, तो जल्दी करें, हाजिरी भेजें, क्योंकि लेक्चर जब खत्म हो गया फिर हाजिरी नहीं होगी। अच्छा, हम ऊपर से को फॉर्मूला कॉपी कर लें और उसको नीचे हम पेस्ट करके इस्तेमाल कर लेते हैं। सर जी, जी जी हुकाम L 29.5 है। सर ये जो आपने एच निकाला है, ये 30 माइनस 39 नहीं आएगा? 30 माइनस 30 n नहीं आएगा एच में? नहीं, दो कंजेक्यूटिव अपर क्लास बाउंड्रीज या लोअर क्लास बाउंड्रीज या अपर क्लास लिमिट्स या लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस होता है, F 40 है और H क्या है, 10 है। ओके सर, सर हाँ जी, 100। और C की वैल्यू क्या है, 30 है। हाँ जी, अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लें और इसको सॉल्व करें। पहले आप ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, और सबसे पहले जो है ज़रब और तकसीम, ये ऑपरेशन सॉल्व किए जाते हैं, उसके बाद प्लस माइनस सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अगर कहीं में ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर का जो मटेरियल होता है उसको सॉल्व किया जाता है, बाद में ब्रैकेट के बाहर वाले मटेरियल को सॉल्व किया जाता है। ठीक सर 109.5 आएगा। क्यों गलत सर? क्योंकि कैलकुलेशन गलत है ना, बता रहा हूँ। आप अपना डाटा देखें जरा, कहीं पे 109 है यहाँ पे क्लासेज में, 30 और 39 के दरमियान के अंदर वैल्यू आएगी। 37.5 हाँ जी, ये ठीक हो सकती है, 37.5, ठीक। ये आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक। इसके साथ ही आपकी आज की क्लास जो है वो खत्म होती है, ठीक। हाजिरियां सिर्फ 5 बच्चों की आई हैं, मैं 5 बच्चों की हाजिरी लिख के भेज दूंगा, बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं वो अपनी हाजिरी दें।